नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यनाथा। आपको दिखाते हैं न्यूज 50। दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा और राजस्थान में भूकंप के झटके, सुबह करीब 4:30 बजे महसूस किए गए झटके। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल के पास था भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर 4.2 आकी गई भूकंप की तीव्रता। राजस्थान के जयपुर और अलवर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं। संसद के दोनों सदनों में आज भी नोट बैन पर चर्चा, विपक्ष लोकसभा में लाएगा स्थगन प्रस्ताव, आज लोकसभा में बोल सकते हैं राहुल गांधी। नोट बैन पर सरकार के फैसले पर राज्यसभा में आज भी होगी बहस, दोपहर 2 बजे होगी बहस, कांग्रेस की मांग, सदन में मौजूद रहे पीएम। सूत्रों के मुताबिक नोट बैन पर विपक्ष की सरकार से जांच की मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराई जाए जांच, आरोप फैसले की कुछ लोगों को पहले से थी जानकारी। नोटबंदी पर राज्यसभा में बहस, वेंकैया नायडू का कांग्रेस से तीखा सवाल, पूछा जनता के साथ हैं या फिर काले धन वालों के साथ। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा ब्लैक मनी पर सरकार की नीति दोगली, राज्यसभा में उठाया विजय माल्या का मुद्दा तो वित्त मंत्री ने कहा बंद नहीं हुई जांच। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार के फैसले से होगा गोल्डन भारत का निर्माण, बस कुछ दिन की है तकलीफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर किया 500 और 1000 रुपए के नोट पर पाबंदी के फैसले का समर्थन, कहा नोट बैन से खत्म हो जाएगी काले धन और जाली नोट की समस्या। विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति से की फैसले को रुकवाने की अपील, ममता बनर्जी ने कहा लोकसभा में भी उठाएंगे मुद्दा, टीएमसी का मतलब भी समझाएंगे। नोट बैन पर कुछ लोग कर रहे हैं दुष्प्रचार, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है परेशानी। नोट बैन पर विराट कोहली भी हुए पीएम मोदी के मुरीद, फैसले को बताया भारतीय राजनीति का सबसे महान फैसला। नोट बैन पर मॉरिशस के पीएम अनिरुद्ध जगन्नाथ ने किया मोदी सरकार के फैसले का समर्थन, कहा देश के हित में उठाया कदम। प्रेस काउंसिल के 50 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी मीडिया में नहीं होना चाहिए सरकार का दखल, मीडिया और सरकार दोनों मिलकर लाएं समाज में बदलाव। इमरजेंसी को लेकर एक बार फिर पीएम का कांग्रेस पर निशाना, इमरजेंसी में दबाई गई थी मीडिया की आवाज। पत्रकारों की हत्या पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा सच्चाई उजागर करने वालों को मिलना चाहिए न्याय, सरकार ले जिम्मेदारी। आज दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाली अलग अलग राज्यों की एजेंसियों का सम्मेलन। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस का जवान, आतंकियों की फायरिंग में घायल हुए मोहम्मद शफी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस के जवान शहीद मोहम्मद शफी ने दी अपनी जान और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ भी पहुंची श्रीनगर में, साथियों ने नम आंखों से उन्हें सलाम किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक्टर नाना पाटेकर ने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की, सेना की जमकर तारीफ की, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू में शहीदों के परिवार से भी मिले नाना पाटेकर, बीएसएफ के स्कूल जाकर बच्चों से भी की मुलाकात, बच्चों से मिलने आता रहूंगा ये भी कहा। भारत पाकिस्तान सीमा के करीब पाक सेना का युद्ध अभ्यास, भावलपुर के पास प्रैक्टिस, पाक पीएम नवाज शरीफ बने चीफ गेस्ट। एक्सरसाइज के दौरान नवाज शरीफ की धमकी, कहा किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार 3 दिसंबर को आएंगे भारत, अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए सरताज अजीज भारत आएंगे। चीन की एक और करतूत, भारतीय बैडमिंटन टीम के मैनेजर को वीजा देने से इनकार, गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू से मिले बैडमिंटन टीम के कोच। राज्य सरकार का राज्यसभा में कबूलनामा, भारत में रह रहे 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी सरकार वापस भेज रही है अवैध नागरिकों को। देश में बने सबसे बड़े मानव रहित विमान ड्रोन रुस्तम 2 से ने भरी पहली उड़ान, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया रुस्तम 2 का परीक्षण। इंटरनेशनल नेवी रिव्यू 2016 में शामिल होने के लिए न्यूजीलैंड पहुंचा आईएनएस सुमित्रा, 22 नवंबर तक चलेगा नेवी रिव्यू। पुणे में शुरू हुई भारत चीन मिलिट्री की ज्वाइंट एक्सरसाइज हैंड इन हैंड 2016, छठी बार हो रही है ये एक्सरसाइज। देशभर में एयरपोर्ट से सीआईएसएफ के 10 नवंबर से लेकर अब तक पकड़ा 16 किलो अवैध सोना, पकड़े गए सोने की कीमत 5 करोड़ रुपए। हरियाणा के रेवाड़ी में खुलेगा सेना भर्ती दफ्तर, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद सम्मान रैली में किया ऐलान, मौके पर मौजूद थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पुट्टामराज गांव का किया दौरा, सचिन ने गोद लिया है ये गांव। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने के लिए ओरिजिनल फोटो आईडी हुआ जरूरी, अब फोटो कॉपी से नहीं बदलेंगे नोट। दिल्ली में शुरू हुआ पुरानी करेंसी बदलने पहुंचे लोगों की उंगली पर स्याही लगाने का सिलसिला, बार बार नोट बदलने पहुंच रहे लोगों को रोकने की है कोशिश। बॉम्बे हाईकोर्ट में 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के खिलाफ याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस पर कर रहा है सुनवाई।
असम के तिनसुकिया में कैश वैन पर हमला, एक ही मौत दो जख्मी, हमले के पीछे उल्फा उग्रवादी पर शक। नोएडा में कई नामी बिल्डर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग ने मारे छापे, सेक्टर 62 में आम्रपाली ग्रुप, सेक्टर 126 में इन्वेस्टर क्लिनिक के दफ्तर पर भी छापे मारे। आयकर विभाग का तुलसियाना ग्रुप पर छापा, देश भर के 24 ठिकानों पर पड़े हुए। यूपी के मुरादाबाद में चिटफंड कंपनी के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, नोट बैन के बाद बावजूद चिटफंड कंपनी लोन के पैसे वापस करने का बना रही थी दबाव। यूपी के फैजाबाद के बैंकों में पहुंची स्याही, लेकिन आज नहीं हो सकेगा इस्तेमाल, कैश की कमी से लोग परेशान। दिल्ली में एक पिता ने की अपने ही 15 साल और 8 साल उम्र के दो बेटों की हत्या, डिप्रेशन में उठाया कदम, खुदकुशी भी करने की कोशिश की। मुंबई में टीवी कलाकार मुकेश रावल का शव संदिग्ध हालत में मिला, टीवी शो रामायण में विभीषण का निभा चुके हैं रोल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में दूसरी क्लास के स्टूडेंट की हत्या का खुलासा, 13 साल के दो छात्रों ने हॉस्टल बंद करने के लिए किया मर्डर। अपने आखिरी इंटरनेशनल दौरे पर ग्रीस से जर्मनी पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, स्वागत में बर्लिन में दिया गया डिनर। पेरू की राजधानी लीमा में एक मॉल में लगी आग, आग में 4 लोगों की मौत, गैस कुकर के फटने से हुआ हादसा। क्यूबा में शुरू हुआ आर्मी का सालाना युद्धाभ्यास, 20 नवंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास, 1980 में अमेरिका के साथ तनाव की वजह से शुरू हुआ था युद्धाभ्यास।